हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज की ये जो अपडेट है ये रहेगी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि HPPSC की तरफ से। और इसमें जो है कुछ वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं, तो चलिए देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी है, कितनी फीस है, क्या एज लिमिट रहेगी और क्या है जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने मांगा है। तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 23 मई 2019, इसकी लास्ट डेट रहेगी। और आप अप्लाई कर सकेंगे ऑनलाइन की वेबसाइट के थ्रू, और वेबसाइट रहेगी www.hppsc.hp.gov.in/hppsc। तो इसके थ्रू जो है आप ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है फिल कर सकेंगे 23 मई तक। तो चलिए देखते हैं क्या है, कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकाली है इन्होंने, क्या उसका पे स्केल है। तो चलिए देखते हैं, पहली पोस्ट जो है बोले कि हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ HP हिमाचल प्रदेश। तो नेम ऑफ द पोस्ट रहेगी सेक्रेटरी क्लास 1, गैजेटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर ये वैकेंसीज रहेंगी। और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं, जनरल की 1, SC ऑफ HP की 1 एंड जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड विजुअली इम्पेयर्ड की 1 वैकेंसी है। तो पे बैंड की बात करें तो पे बैंड यहाँ पे 10,300 से 34,800 रुपये, प्लस इसमें जो है 5,000 जो है ग्रेड पे आपको मिल जाएगा। और एज लिमिट बिलो 45 साल के नीचे जे आप जो है हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। असेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है MSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉलोड बाय MBA इन एग्रीकल्चर बिजनेस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी आप देख लीजिए, 5 years experience on agriculture produce mainly in government, public undertaking, autonomous bodies, और नॉलेज होना चाहिए कस्टम्स का, मैनर्स, ये आप देख लीजिए। सेकंड जो है वो रहेगी वैकेंसी HP पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ MPP एंड पावर। तो इसमें जो पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सिविल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 7 और डिपेंडेंट सन्स डॉटर्स एंड वाइव्स ऑफ एक्स सर्विस मैन ऑफ HP, बैकलॉग वैकेंसीज हैं। पे बैंड 16,650 रुपये से लेकर 39,100, प्लस ग्रेड पे 5,800 रुपये इसमें मिलेगा। और एज 30 साल से नीचे नीचे जो हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और रिलैक्सेशन मिल जाएगा इसमें, लिखा है रिलैक्सेशन। और असेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, MTech सिविल, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइड्रो पावर प्लांट इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और एटलीस्ट जो है आपके 55% मार्क्स होने चाहिए इन केस ऑफ SC ST इंटरनल HPPCL कैंडिडेट्स, और 60% मार्क्स इन केस ऑफ अदर कैटेगरीज, यानी कि SC ST के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए और अदर कैटेगरीज के लिए आपके 60% मार्क्स जो है होने चाहिए। और इसमें देख लीजिए, और नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो नेम ऑफ द पोस्ट रहेगी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर, नंबर ऑफ वैकेंसीज 26, 26 वैकेंसीज हैं। और ये आप कैटेगरीज देख लीजिए किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। पे बैंड की बात करें तो 16,650 रुपये से लेकर जो है 39,100, और प्लस ग्रेड पे 5,800 रुपये, और फिक्स कॉन्ट्रेक्चुअल एमोलमेंट्स जो हैं 28,250 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। और 30 एज लिमिट जो है 30 साल से नीचे नीचे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन फुल टाइम BE BTech इलेक्ट्रिकल एंड BE BTech इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या MTech इलेक्ट्रिकल्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइड्रो पावर प्लांट इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इंडिया से किसी भी इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट से होने चाहिए, और एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने चाहिए SC ST इंटरनल HPPCL कैंडिडेट्स के लिए, और 60% मार्क्स होने चाहिए आपके अदर कैटेगरीज के लिए। नेक्स्ट वैकेंसीज की बात करें तो नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस, नेम ऑफ द पोस्ट 1 बैकलॉग वैकेंसी है। पे बैंड वही रहेगा 16,650 से लेकर 39,100, और प्लस ग्रेड पे 5,800 रुपये। कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट जो है ये रहेगा 28,250 रुपये पर मंथ के हिसाब से। और असेंशियल क्वालिफिकेशन CA ICWA MCOM MBA फाइनेंस,
विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ होने चाहिए अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी या इंटरनल एचपीपीसीएल कैंडिडेट्स है तो, और 55% मार्क्स आपके होने चाहिए अदर कैटेगरीज के लिए, आपके 55% मार्क्स से होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो ये भी देख लीजिए, इनकी वेबसाइट के थ्रू आप जो अप्लाई कर सकते हो। और जनरल कैटेगरी के लिए जो है फ़ीस 400 रुपये लगेगी, और एस सी एस टी ओ बी सी बी पी एल ऑफ एच पी के लिए 100 रुपये फ़ीस लगेगी, और एक्स सर्विस मैन ऑफ एच पी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, या ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं एच पी के उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है, वो फ्री में ये फॉर्म फिल कर सकेंगे। मोड ऑफ पेमेंट जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बैंक किसी बैंक से जो है आप ई पेमेंट कर सकते हैं। और आप देख लीजिए 23rd of May इसकी लास्ट डेट रहेगी, और वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, बस यही जानकारी थी। और स्क्रीनिंग टेस्ट ये आपको बाद में बताएंगे कि क्या इसमें है, मिनिमम पास मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड तो ये आपको बाद में बताएंगे, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा इसके लिए। और बस यही है इसमें इन्फो बताई हुई है उन्होंने। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।